कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश में अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। यहां पर दो हिस्ट्री शीटरों को हिरासत में लिया जाएगा। जमात या बाहर के कुछ लोग की भी जांच चल रही है। मिठाई के जिस डब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला था वो उस डब्बे की भी जांच हो रही है। माचिस जहां से मिली उसकी जांच की जा रही है। एटीएस ने मौके से सबूत जुटाए। देर रात मौके पर एटीएस ने मुआयना किया था और कुछ सबूत जुटाए थे। आपको बता दें कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गई थी। और हम आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कानपुर में ट्रेन वाली साजिश से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से 12 लोगों से पूछताछ इस वक्त चल रही है। कानपुर में ट्रेन वाली साजिश से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 10 से 12 लोगों से इस वक्त पूछताछ चल रही है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, कोई बड़ी साजिश होने की बात निकलकर सामने आ रही थी। गैस सिलेंडर पटरी पर रखा हुआ था, हालांकि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अब इस पूरे मामले में 10 से 12 लोगों से पूछताछ जारी है। अमित गंजू फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट मिल रही है, क्योंकि लगातार जांच भी चल रही थी और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, शरारत है, ये तमाम ऐसी चीजें जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। क्योंकि जिस प्रकार से सिलेंडर का ट्रैक पर आना, आसपास क्षेत्र में 5 किलोमीटर के तक कोई आबादी ना होना, ये एक सबसे बड़ा सोच और जांच का विषय है। और ऐसे में जहां एक और आरपीएफ, सीआरपी, एटीएस, रेल के अधिकारी, रेल की अपनी कॉन्फिडेंशियल टीम, तो वहीं डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम बना दी गई, जिसमें स्वाट की टीम, क्राइम ब्रांच, एसओजी और एलआईओ की अपनी टीम, यानी कानपुर की अगर बात की जाए तो 250 से ज्यादा सिपाही पुलिसकर्मी इसमें लगा दिए गए। इन सबके बीच 16 जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, 16 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया है। इसमें बिल्लौर की पुलिस ने उठाया है, शिवराजपुर, चौबेपुर और बिठूर की पुलिस को भी जोड़ा गया और क्राइम ब्रांच को भी। अब ये सब पूछताछ की जा रही है। जिनको अभी तक बुलाया गया है थाने में, उनको 2 डिफरेंट थानों में रखा गया है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसमें 8 से 9 लोग शिवराजपुर में है, अब चौबेपुर में है, और कुछ को बिल्लौर की तरफ भेजा गया है। ये जानने का प्रयास किया उन लोगों से कि वो उनकी ट्रैक के आसपास की मूवमेंट किस वजह से थी। रात का 8:25 का वाक्य, उनकी क्या मूवमेंट थी, इसमें गैंग मैन है, लाइन मैन है, ट्रैक मैन है, गेट मैन है, ऑपरेटिंग बॉय है, ऐसे तमाम लोग। और इन सब के अलावा कुछ वो लोग जो हैं जो क्षेत्र में जिनके इक्के दुक्के वहां मकान बने, उन्होंने क्या देखा। इन सब के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। उस स्पॉट से लेके बिल्लौर के बीच और वापस शिवराजपुर से लेके चौबेपुर के बीच के आसपास सिंगल ट्रैक पर, बिल्कुल तो आसपास उस समय किसका मूवमेंट वहां पर किस तरीके के था, उन लोगों को संदिग्ध मानकर अब पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित गंजू जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस को शिवराजपुर में दुर्घटना का शिकार बनाए जाने की साजिश रची गई थी और रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया था। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन को बड़े हादसे से बचाया गया। मामले की जांच जारी है। डीसीपी राजेश कुमार सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता ने। कैसे देख रहे हैं, क्या चीजें प्रथम दृष्टया सामने आई सर? देखिए, कल का जो इंसिडेंट है उसके लिए हम लोग काफी जागरूक और संवेदनशील हैं। हमारी 6 टीमें इस पे काम कर रही हैं। स्वाट की, सर्विलांस की, 3 थानों की टीमें हैं और एलआईओ की टीम भी काम कर रही है। और इसको हम पूरा चारों तरफ सीसीटीवी भी हम देख रहे हैं, सिलेंडर कहाँ से आ सकता है, वो थैला था वो कहाँ से आ सकता है, पेट्रोल पंप भी देख रहे हैं कहाँ से, जो भी सामग्री वहाँ पे बरामद हुई है, माचिस बरामद हुई है, किस ब्रांड की है, कहाँ से आई है, उसको भी हम देख रहे हैं। और हम निश्चित तौर पर इसको शीघ्र ही वर्कआउट करेंगे और हमारी टीमें इसमें निश्चित तौर पर कामयाब होंगी। बस सर, एक आखिरी सवाल, कितने लोग अभी तक पूछताछ के लिए बुलाया गया, लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है सर? पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, पूछताछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन लोगों का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ डीसीपी साहब, इनका साफ कहना है कि पुलिस जड़ तक जाकर इसके फैक्ट्स को पता करने का प्रयास कर रही है।